सो हे गाइस, दिस इज रोहित शेगार वंस अगेन कम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालने वाला हूँ, पाइथन का फुल कंप्लीट वेब सीरीज बना के दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सॉफ्टवेयर को सेटअप करोगे अपने सिस्टम में, जिसके थ्रू आप पाइथन कोडिंग को स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग पाइथन कोडिंग विल सेटअप द सॉफ्टवेयर, सबसे पहले वो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा, ठीक है। तो मेरा फेवरेट वेब ब्राउजर है ब्रेव, तो मैं इस पर क्लिक किया। और तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, ये URL टाइप करनी होगी या फिर जाकर सिंपली टाइप करना पाइथन डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड पे आप टाइप करोगे ऐसे, तो देखो गूगल पे ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो फिर डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड पे करने के बाद यहाँ जाके येलो बटन पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है डाउनलोड पे जाना, देखो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। देखो मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर लिया था, तो देखो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डाउनलोड पे पड़ा हुआ, ठीक। तो मैं डाउनलोड करने के बाद मैं गया डाउनलोड पे, जहाँ डाउनलोड हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पाइथन डाउनलोडेड है, एक्चुअली दो फाइल डाउनलोड हो गई है, एक ही चाहिए। तो ये देखो, तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे कि इंस्टॉल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप टाइप करोगे क्या, पाइथन। तो अगर कुछ ऐसा खुल जाता है, मतलब कोई दूसरा ऐप खुल जाता है या फिर कोई एरर आता है, इसका मतलब क्या है, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है, देखो ये पहले आप इंटरप्रेटर को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐसे जाओगे ऐड टू पाथ, ऐड टू पाथ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दो और देखो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस ये देखो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ और मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ कमांड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फिर जाके पाइथन टाइप करता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर वैसा खुल के आ रहा है, तो मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार कि फिर से रिफ्रेश हो जाएगा ना। तो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया और ये देखो मैं यहाँ पे जाके पाइथन पे टाइप करूँगा, तो देखो कुछ ऐसा खुल के आएगा, इंटरप्रेटर खुल के आएगा, ठीक है ना। इसको आइडल बोलते हैं पाइथन में, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल इतना जान लो कि पाइथन आपके सिस्टम में क्या होगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब मैं चाहूँ कि आप पाइथन के कोई कोड को रन करा सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है ना। देखो 3+3 क्या हो रहा है, 3+3, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली क्या कर रहा है, इंटरप्रीट कर पा रहा है। सो ये तो हो गया हमारा पाइथन का इंटरप्रीटर। अब क्या कर लेते हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल। तो आप चाहो तो दो फेमस टेक्स्ट एडिटर मैं बताता हूँ आपको, एक है आपका पाइचाम, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये काफ़ी वेटेड मतलब ये सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपका लो एंड का लैपटॉप है या पीसी है, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप जाके पाइचाम मत इंस्टॉल करना, आप जाके वी एस कोड इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कोड डॉट वी एस कोड डॉट कॉम इसकी वेबसाइट है, या फिर जाके आप गूगल पे टाइप करो वी एस कोड डाउनलोड, ठीक है। तो देखो ऐसा खुल जाएगा और यहाँ से जाके जो भी आपका वर्जन का पीसी है, लैपटॉप है, देखो मेरा 64-bit का है, तो मैं जाके यहाँ पे यूजर इंस्टॉलर पे 64-bit पर क्लिक कर दूंगा, तो देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ सेकेंड में। तो मेरे में सिस्टम में क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, आप जाके कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अपना टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है और एक सिंपल सा एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए आपके साइड बार में, लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे एक बटन बन के आ रहा होगा एक्सटेंशन का, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ जाके आप टाइप करोगे पाइथन, ठीक है। तो पाइथन आप टाइप करोगे, देखो आपके सामने एक ये देखो आ गया एक एक्सटेंशन है। तो मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप सिंपली जाके यहाँ पे इंस्टॉल बटन लगेगा, इंस्टॉल बटन पे क्या करना, उस पर क्लिक कर देना, तो आपके वी एस कोड में क्या होगा, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस आपका सिस्टम क्या हो गया, फुली क्या हो गया, सेटअप हो गया पाइथन कोडिंग करने के लिए। आप क्या कर सकते हो उसमें, पाइथन कोडिंग को इजीली कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डेमो को प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे वीएस कोड में और कैसे इसको एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।